नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। शहर के जाने माने मशहूर होम्योपैथिक चिकित्सक एम एन अख्तर ने अपने हाथों से MGM अस्पताल में भर्ती मरीजों के रिश्तेदार, अटेंडर, अभिभावक के बीच दोपहर का भोजन वितरण किया, जिसमें मुख्य रूप से फल, ब्रेड, चॉकलेट, फ्रूट केक और केला बांटा गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एम एन अख्तर का स्वागत फूलों का गुलदस्ता भेंट कर किया गया। डॉक्टर एम एन अख्तर ने ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की काफ़ी सराहना की और इस प्रकार से ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाकर बहुत प्रसन्नता का इजहार किया और उन्होंने वादा किया कि आने वाले समय में भी ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों में एक सदस्य की हैसियत से खड़ा रहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से रिटायर्ड शिक्षक हाजी खुर्शीद अहमद खान, ट्रस्टी सैयद आसिफ अख्तर, अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी, मुख्तार आलम खान, शाहिद परवेज, मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी, हाजी मोहम्मद अयूब अली, मोहम्मद फिरोज आलम एवं न्यूटन मौजूद रहे। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, गरीबों की मदद कर रहा है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है एकदम फौरन पहुँच जाते हैं। ये तो सब ऊपर वाले का देन है और ये मुख्तार बाबू बहुत एक्टिव मेंबर हैं इसके और इनको रखे, क्योंकि ह्यूमन ट्रस्ट ये काम कर रहा है, ये पूरे जमशेदपुर के शहर में मशहूर हो गया है। शुक्रिया।